रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। अलग फजल और करम के साथ एक नई नई वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज पाकिस्तानी चोलिस्तान की मैं आपको गायें दिखा रहा हूँ। ये सफ़ेद गायें हैं चोलिस्तान की रियासतन, और पहला सूबा है इसका, और ये इसका बच्चा है जी साथ, ये खड़ा है। और ये तकरीबन एक टाइम की 4 से 5 लीटर दूध देती है सुबह के वक्त, और 4 से 5 लीटर या शाम के वक्त। और ये खुरली है, इसके अंदर तूड़ी डालेगी, इसको पक्की खुरली है, पीछे लग मिट्टी की दीवार। और ये आली है इसकी दोस्तों, और ये खुरली देखें जी, गोल, कितनी खूबसूरत खुरली है, इसके अंदर तूड़ी डाली गई है। और ये बच्चा है, और ये कट्टी है, इसको खिलाई जा रही है तूड़ी, बहुत ही खूबसूरत खुरली मिट्टी की बनाई गई है गोल शक्ल की। और ये फर्श जो है वे मिट्टी से लपाई किए गए गारे से, बड़ा खूबसूरत। और ये सामने चोटी खड़ी है आपको नज़र आ रही है। और ये गायें हैं दो लेले, ये विलेज माहौल है पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल साथ, ये विलेज है जी पाकिस्तान लास्ट विलेज इंडियन बॉर्डर। और उसका मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये अंदर कच्चा मकान है, इसके अंदर आपको दिखाते हैं जाकर। और ये जी है इसके अंदर तूड़ी, ये जानवरों के लिए तूड़ी रखी गई है, और इसकी छत बाले गाडर और सिरकी डाली गई जी। और ये देखिए यहाँ पर, ये त्रेंकल बोलते हैं इसे, और ये फोसियाँ जनाब, इसके आग जलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं दिन के तौर पर। और ये छपरा बनाया गया है जी जानवरों को, इसके नीचे जो है वो बांधा जाता है धूप से बचाव के लिए। और ये चारा काटने वाली मशीन है, पट्ठों के लिए इस्तेमाल होती है। और ये है जी सेठ तफैल कंपनी की, पाकिस्तान में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होती है दोस्तों सेठ तफैल, और ये बिजली से चलती है जी। तो ये था जी विलेज, ये आगे आपको बॉर्डर आता है इंडियन पाकिस्तान का, लास्ट विलेज है जी। और इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपको ये मनाजर दिखा रहे हैं लास्ट विलेज पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर के। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है जी, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद इस तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे जी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।